It would be a formal introduction for everyone. First of all, I would call, like to call about stage the captain and the owner of this team, Rajiv Thakur. Please, Rajiv. Request to have the band pop industry, the beauty queen, Kamya Punjabi, the owner of this team, please. Can I have the co-owner of this team, Raj Bhai, the director of Raj Group of Industries? Love
to introduce everyone, the new partners, the new members, the new owners of this team now, who will be the part of our GRJ co-owners, of course, who will be playing the season 2. They were not with us in season 1. So it gives me pleasure to invite the team, a team, the trio of Bipin Anand, Mr. Sachin Bhandari. Hi. I would request everyone to please talk to you. It's over to Rajiv Thakur first. So they share their plans, their motivations, the new what the new JRJ, the PCL season 2 is. So over to Rajiv. पंजाबी आदमी वैसे इंग्लिश में इतना हाथ तक होता पता नहीं कहाँ से इतनी इंग्लिश ले आया खा के हम लोग सच में बोल रहा हूँ आज भी कहीं गलती से बनाना शिप लिया है लोगों को बोलते हैं आज मैंने केले का मैंगो शिप लिया तो तेरी इंग्लिश जिंदाबाद और काम में पंजाबी तो चली गई है ये वो पंजाबी है जो सबसे बड़ी सिद्धि है सच्ची बोल रहा हूँ पहली बार मुझे पार्टनर मिली थी जब कॉमेडी सर्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि काम में पंजाबी चलो कोई पंजाबी मिल गया और जब आई तो जूस की बच्ची हाँ मैं दूसरी लाइन गई ये हमारे बंदे पहले तैयार बैठे होते हैं कि ये लाइन ना बोलते मैं बोलती पहले चलो एनी हाउ लेकिन यहाँ जयपुर राज जोशीले के लिए इकट्ठे हुए यहाँ पर हम जयपुर राज जोशीले के लिए इकट्ठे हुए हैं और काम्यास जो पता नहीं मतलब इतनी हॉट होती सामने से खड़ा हो जाए खड़ा हो जाए बंदा तो क्या बोलते उसको मुझे पता हो गई जिस गली से तू निकलना चाहती है हाँ बस बस समझ नहीं कहते कामया का निकनेम केपी है हाँ कामया का जाओ बट मैं फर्मली कहना चाहूंगा कि ये जो टीम है मेरे कामया की वजह से खड़ी हुई मुझे आज भी याद है जब पहली बार हम इस टीम के लिए आए थे तो कामया का ऑफर मिला कामया बोले मैं डरती हूँ टीम बनाने में लेकिन मैंने बोला नहीं कामया तू खड़ी हो जाएगी तो टीम बन जाएगी तो आज पिछले 3 साल से मैं 3 साल बताऊंगा 2 साल सीजन हुए दूसरा नहीं लेकिन इससे पहले सीजन 0 हुआ जो अकेली कामया ने अपने दम पे खींचा अकेली कामया और आई एम प्राउड कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया और वेरी प्राउड टू से कि हम लोग लड़ते भी हैं और नाराज भी होते हैं लेकिन और दूसरे पर मान जाते हैं लेकिन टीम की अगर हम कभी भी जयपुर राज जोशीले को सोचते हैं यहाँ जितने भी 5-6-7 लोग खड़े आपको दिखेंगे कोई भी गायब हो सकता है कामया गायब नहीं तो ये कामया की पहली बार ही थी पार्टनर जितने मर्जी बना टीम से नहीं नहीं गायब नहीं कर रही है उसका कहने का मतलब ये टीम से कोई भी जाए आए कामया दिल की है सो ओवर टू कामया ताकि वो वेलकम करे सबको क्योंकि बहुत से नए मेंबर आए हैं और हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता जो पढ़ना वो पढ़ चुका अब नहीं पढ़ता राजीव की इस बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं छत हूँ ये सारे पिलर्स हैं यस ये बड़ा अच्छा कहा कि हाँ मैं इस टीम की छत हूँ और मैं नहीं रही तो फिर पिलर्स भी नहीं रहे और पिलर्स नहीं रहे तो फिर छत भी नहीं रहेगी लेकिन छत रहेगी ये बोली मेरे अंदर की मैम नहीं मजाक उसकी एक तरफ हाँ बहुत प्यार से मैंने इस टीम को बनाया था जब कोई नहीं था और हाँ जैसे कहते ना कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर उसे बड़ा करती है मैंने उसे जन्म दिया और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और उसमें से एक है मेरा सबसे प्यारा दोस्त जिसको मैं कभी कभी आधी रात को फोन करके कहती हूँ मेरा दोस्त मेरा पार्टनर सो पहले हम कॉमेडी सर्कस में पार्टनर्स थे अब हम इस टीम में भी पार्टनर्स हैं हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिंदगी में हर एक चीज़ में पार्टनर रहेंगे और राजीव ने शुरू से मेरी मदद की पहले ये टीम के कैप्टन थे सेकेंड सीजन जब बहुत बड़ा हो गया और फर्स्ट सीजन इनफैक्ट सेकेंड बार जब हम कर रहे थे दूसरे साल कर रहे थे फर्स्ट सीजन था जब ये बहुत बड़ा हो गया था
तब मैं बहुत डबल माइंड में थी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि जब पहली बार ये शुरू किया था तब बहुत डिफिकल्ट था अकेले संभालना. अब ये ऑन एयर भी होने वाला है, बहुत अलग लेवल पर जाने वाला है. तब मैंने राजीव साथ में बैठ के ये डिस्कस किया था कि मैं क्या करूँ. हमेशा जिंदगी के बहुत सारे फैसले मैंने राजीव की सजेशन से ही लिए हैं. तो जब यहाँ बैठी और मैंने कहा कि तू साथ रहे तो हम कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. ये हमेशा मेरे साथ रहा है और आई एम ग्लैड कि इसमें भी ये साथ रहा, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचते रहेंगे और बहुत कुछ करते रहेंगे और ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे सबसे. उसके बाद राजीव तो है, उसके बाद अब नए लोग जुड़े हैं टीम में. मैं उन्हें वेलकम भी करना चाहती हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ. राजीव आनंद सदा राजीव भूपेन आनंद सचिन कुनाल, वेलकम टू द टीम. और राज जी हमारे साथ पहले से हैं, ये फैमिली का हिस्सा है पहले से. अब और तीन मेंबर जुड़े हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मेरे दोस्त एक्टर्स, जो टेलीविजन के जाने माने एक्टर्स हैं और जो टीम में खेलने वाले हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बोलोगे, उनके बिना टीम हो ही नहीं पाती थी. सब बहुत बिजी है लेकिन वक्त निकाल के वो पहले प्रैक्टिस पे आया करते थे और फिर मैचेस भी बहुत अच्छे खेलिए. इस बार भी वही जुनून है, सब बहुत बिजी है, टाइम निकाल के जैसे आ रहे हैं. ये सब बहुत पैशनेट है ये आगे प्रैक्टिस को लेकर, मैचेस को लेकर. तो इनके बिना ये टीम बन ही नहीं पाती थी, इनके टीम बिना टीम कभी बन नहीं पाएगी. थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ रही है. और बिना दो सबको कि हम कितना है जोश. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और वेलकम एक छोटा सा हमारी टीम के लिए, तो इसको बुलाओ सबसे पहले. किसको बुलाया? प्लेऑफ जब था तब मैंने सबसे पहले जिसको फोन किया था राजीव के बाद, वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो बीच में मेरा साथ छोड़ के चले गए थे लेकिन दोबारा वापस आ गया है. तो मैं सबसे पहले उससे बुलाना चाहती हूँ with a big thank you and a big hug. Abhinav Sachdev. तुम्हें पता है ये वापस क्यों आया? मैं बताता हूँ. मैं ये सीजन ये सुनने के लिए आया हूँ कि तू चला गया था. नहीं मैं बताता हूँ, ये एक सीजन में गया था लेकिन अभी वापस क्यों आया, इसका बड़ा रीजन है. मैंने इसको पूछा, अपने मन में मैंने सवाल किया, हमारी टीम में आओगे तो ऊपर से मैंने बोला तेरे सीरियल का क्या नाम है? भूल है, बस हो गया. तो हमने चलाकी से इसको अंदर कर लिया. मैंने मेरे को बताया, मैं कबूल है तीन बार बोल गया, कबूल है. मैं बस सर मैं हार गया. प्लीज दिस इज स्मॉल जेस्चर फ्रॉम द टीम टू द टीम, प्लीज. स्मॉल बैच सर. Everybody can see there's a mention humme hai josh, it's a team logo and the mention name is humme hai josh. So we everybody have to prove ke kitna josh hai hamare. So I know everybody deserves to be the part of this thing. That's why we're going to Abhinav ji, choti si request, kaise prove karoge ki josh hai? Something to do. तूने इतनी मेहनत की है, मैं चाहता हूँ एक बार जोश ऐसे करके हो जाए, अपने तो छोटे हैं. यस, और एक डायलॉग सनी देओल पागल हो गया. अबे आप कॉमेडी सर्कस में थे, मैं थोड़ी था. अरे सनी देओल कौन कॉमेडी सर्कस में, सनी देओल बड़ा था कॉमेडी. सनी देओल आई पता नहीं नहीं आता. ये ढाई किलो का हाथ जब पड़ता है अंदर वाली बात बोली है या मेरे बाहर वाली? मेरे टीम के बेस्ट बॉलर को बल्लेबाज. इनके लिए स्ट्रेटजीज बनती है, इनके लिए सारी टीम इकट्ठा हो जाती है दूसरी बारी ऑपोजिट टीम और फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जब बल्लेबाज आएगा कीपर तो क्या होगा. हमारी टीम अमीर हो गई भैया.
हमारी मार्केट गरीब हो गई, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। यस चलो अब तू तूने तो बोल ही दिया वैसे। मैं चाहता दो लाइनें कामयाबी बोल। अरे यार ये तो मेरी गाइस को कर रहे हैं। हमने पे लाइन बोलने का ही लाइन मारने का मन कर रहा है भाई। अब तू तेरी तनख्वाह कटेगी। चलो मार्किंग पे लाइन नहीं मारते। चलो बेटा 10 टीमें इस बार और 10 टीमों में 5-5 लड़की हैं। अपनी 5 छोड़ देना। थैंक यू वेरी मच। चलिए पूरे 34 रन बनाने के लिए मिले। 34 रन बनाने थे लास्ट ओवर में और ये लड़का सामने और सामने बॉर्डर लड़की आए हाय हाय। मैं कहा अब है मुकाबला। फिर लड़की ने पता नहीं लास्ट बॉल पे क्या 5 छक्के मार दिए बंदे ने। लास्ट बॉल पे पता नहीं लड़की ने कौन सी आंख मारी इसको, वही मिस की। नहीं बस उसने दिल में सर वही बोल दिया था कि ये मत मारना बस दिल पे लगे। हाँ लड़की की इज्जत बहुत करते हैं इसके दिल पे लगे इसने उसने हमारी। मेरा ख्याल है अभी बैच के लिए प्लीज सचिन आप आइए। और गाइस प्लीज यू कैन स्टार्ट हैविंग ड्रिंक्स। नहीं नहीं दो मिनट पहले एक बार अपन ये दो मिनट थोड़ी होने वाला है। यस हमें है शराब पी जाए। शराब पी जाए जोश। और इसमें कौन कौन चाय कॉफी और शराब देगा? थैंक यू अंकित। और कुछ ना कुछ दिया भी ऊपर आ जाती है। और आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, समझते मैंने समझ गए। अब एक और बंदा हमारा जो बीच में गायब हुआ था फिर उसको वापस लाए हैं हम बड़े मिस्टर मिस्टर शिविन शिविन नारंग। आइए जरा आप बहुत ज्यादा मजे ले रहे हैं। आइए वीरा वीरा का भाई हमारे पंजाब में ना वैसे भाई को वीरा बोलते हैं तो भाई है ना वीरा का वीरा वीरा का वीरा। हेलो वी आर नॉट प्रमोटिंग स्टार्स हियर। ओए ओए कोई फर्क नहीं पड़ता हम वी आर प्रमोटिंग आवर ब्रदर नथिंग एल्स। मैं जल्दी बैठ जाऊं क्या? क्यों कहां गए भाई साहब? सर आप ऐसे चुपके बैठेंगे तो मैं और शिविन मैं बताना चाहता हूं कि इस बार प्रैक्टिस करेगा